मैं कुछ महत्वपूर्ण जर्नलिंग तकनीकों का आपके साथ चर्चा करूंगा। पहली तकनीक जो मैं बताना चाहूंगा वह है स्वतंत्र, मुक्त और स्वच्छंद जर्नलिंग। स्वतंत्र, मुक्त और स्वच्छंद जर्नलिंग। यदि आपका दिमाग हमेशा या आमतौर पर बहुत व्यस्त रहता है तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वतंत्र, मुक्त और स्वच्छंद जर्नलिंग तकनीक आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। स्वतंत्र लेखन आपकी विचार प्रक्रिया को निर्णय या सेंसरशिप के किसी भी व्यवधान के बिना एक नदी के रूप में सुचारू रूप से बहने देता है। किसी व्यक्ति के मन में जो कुछ भी है उसे कलमबद्ध करने की जरूरत है। व्याकरण, वाक्य संरचना या सुसंगतता, इन सब की चिंता किए बिना उसे स्वतंत्र रूप से सामने आने दें। इससे आपको अंतर्दृष्टि और समझ का पता लगाने में मदद मिलेगी और मानसिक अव्यवस्था को दूर करने में मदद मिलेगी। दूसरी तकनीक कृतज्ञता जर्नलिंग। कृतज्ञता जर्नलिंग, थैंकफुलनेस जर्नलिंग। अगर आप जीवन में नकारात्मकता से घिरे हुए हैं, नेगेटिविटी से, हर बात में या बहुत बातों में नकारात्मकता, तो कृतज्ञता जर्नलिंग की तकनीक अपनाएं। मार्गदर्शक के रूप में हमारा मन शत्रु या मित्र हो सकता है। फर्क इससे पड़ता है कि उससे संपर्क कैसे किया जाए, मन से संपर्क कैसे किया जाए। शिकायतों या नकारात्मकता, जैसे कि आपके पास क्या है या आपके पास क्या नहीं है, या प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या, विफलता, महत्वाकांक्षा आदि जैसे किसी भी कारण से उदासी की भावना पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप अपना ध्यान उस चीज के बारे में कृतज्ञता महसूस करने पर करें जो आपके पास है, बजाय इसके कि जो आपके पास नहीं है। अपनी मानसिकता को अधिक सकारात्मक और आशावादी परिप्रेक्ष्य में बदलने की कोशिश करें। लोग अपने जीवन में सकारात्मक अनुभवों, रिश्तों, व्यक्तिगत गुणों और उपलब्धियों पर विचार करना शुरू कर सकते हैं। इसलिए यदि यह आपके लिए काम करता है तो उस चीज को लिखना शुरू करें जिसके लिए आपको लोगों का और परमात्मा का, दाता का आभारी होना चाहिए। और तीसरी तकनीक चिंतन और आत्मनिरीक्षण जर्नलिंग। यदि आप हतोत्साहित महसूस करते हैं, यदि आप अनिश्चित रहते हैं, यदि आप में निर्णय लेने की क्षमता की कमी है, यदि आप ज्यादातर चीजों के बारे में चिंतित रहते हैं, तो चिंतन और आत्मनिरीक्षण जर्नलिंग इस तकनीक का प्रयास करें। जर्नल आपके दिमाग का एक प्रकार का कमरा है जहां आप अपने सच्चे स्वरूप को खोजते हैं, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी समाज की कंडीशनिंग या पिछले अनुभवों से अपने बारे में कथित विचारों के बिना। खुद का अवलोकन और अन्वेषण करते हैं बिना किसी कंडीशनिंग के, बिना अपने मन में अपने अनुभवों और विचारों के साथ जो आपका स्वरूप है उन सब को छोड़कर, बिना किसी निर्णय के अपने असली स्वरूप को खोजते हैं, खुद का अवलोकन और अन्वेषण करते हैं।
आत्मचिंतन के अभ्यास के लिए यह कमरा आपका निजी स्थान है, आपका अपना। आप अपने रोजमर्रा के जीवन से संबंधित कुछ मार्मिक और विचारोत्तेजक प्रश्न खुद से पूछ सकते हैं। अपने अवचेतन मन की गहराई में अपनी भावनाओं और विचारों की खोज कर सकते हैं, जो जाने अनजाने सारा दिन आपको घेरे रहते हैं। चिंतन और आत्म पूछताछ की यह जर्नलिंग तकनीक आपको विचारों की स्पष्टता, स्वयं की गहरी समझ और आत्म जागरूकता से सुसज्जित करती है।